क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज, आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है,
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। सुमेरु पर्वत के परमाणुओं को जितना अत्यंत दूर से देखता है उतना ही अत्यंत दूर से चैतन्य महल के पड़ोस में बनी इस राख की दीवार को देखता है और ये देखता है कि जहां ये ज्ञान की निरंतर गंगा बह रही है, निरंतर जो ये ज्ञान का जानना 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 ऐसा जो सहज प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह में ये दीवार कहीं भी नहीं है। प्रति समय यह जागृति की ज्ञान के प्रवाह में राख की दीवार कहीं भी नहीं है। जैसे नदी के पानी का प्रवाह बहता हो और उस प्रवाह के बीच में ही कोई दीवार बन जाए तो वो प्रवाह वहीं पर ही रुक जाए। जहां प्रवाह बहता हो वहीं पर ही यदि दीवार खड़ी हो जाए तो प्रवाह बह न सकेगा। ये जो निरंतर ज्ञान का जानना 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 ये प्रवाह बह रहा है, ये देह रूपी राख की दीवार इस ज्ञान के प्रवाह में बीच में आती तो ये प्रवाह बहता कैसे? इसलिए ये राख की दीवार को ज्ञानी इस ज्ञान की बहती धारा में न देखकर अत्यंत दूर किनारे पर देखते हैं और सदैव निश्चिंत है, क्योंकि उस दीवार का इस प्रवाह में कभी प्रवेश हो ही नहीं सकता। निरंतर जो जानना 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 ये निरंतर सहज प्रवाह बह रहा है और इस प्रवाह में भी प्रवाह की और जोर नहीं। बहते प्रवाह में भी एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जोर, ज्ञान के व्यक्त होते परिणमन में भी दृष्टि का जोर अव्यक्त पर, अनुभूति हो वेदन हो संवेदन हो फिर भी यह जागृति की दृष्टि का विषय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व है। पर्याय में पर्याय का वेदन होता होने पर भी आश्रय द्रव्य का है, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व का है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति जब प्रकट होती है स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में, जब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, कहां है ज्ञानी का ध्यान? किसकी ओर देखते हैं, क्षणिक की ओर या फिर नित्य की ओर? यदि नित्य की ओर देखते हैं तो जैसे 4 बजे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई और अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, अनुभूति समाप्त होने के बाद जब ज्ञानी लिखते हैं बोलते हैं कि आत्मा की अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था, ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर ये जो पर्याय में उछल रहा था, पर्याय को जानते थे कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को? खास याद रहे ज्ञान का विषय पर्याय सहित पूर्ण द्रव्य है और उस समय भी दृष्टि का विषय एकमात्र त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व है। इसलिए पर्याय ज्ञान में जानने में तो आती है, प्रति समय ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, मगर एक समय के उस व्यक्त अंश में रुचि नहीं होती, आश्रय होता है अव्यक्त का और अनुभूति होती है व्यक्त की,
इन व्यक्त और अव्यक्त का भेद जो समझ जाता है वही राग की दीवार का पड़ोसी है, अत्यंत गूढ़ रहस्य है आचार्य कुंद कुंद देह। ये ग्रंथादि राज समय सार मेरे सामने है। समय सार की 181 नंबर की गाथा, मुझे अभी अभी यहां कहा गया कि समय सार की गाथा पर सत्संग होगा तो अच्छा होगा। मैं किसी भी समय सार के अतिरिक्त प्रवचन सार, नियम सार, कोई भी शास्त्र कहो, कोई भी गाथा कहो, मैं खोलकर बोलूंगा, गाथा खोलूंगा, बोलूंगा, दो वाक्य भी पढ़ लूंगा, मगर फिर मैं जो तुमसे कहूंगा बस मुझे पता नहीं वहां क्या लिखा है। मैं आप परमात्माओं से यही कहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की भी यही पुकार थी, अहो भाग्य है ये ग्रंथाधिराज समयसार। मैं साक्षात समयसार कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर छेद करके जिसकी रचना हो, नई रचना हो तो छेद की जरूरत है। ये साक्षात समय सार है जिसकी रचना कभी हुई नहीं, इसलिए इस समय सार में कभी छेदन भी हुआ नहीं, भेदन भी हुआ नहीं। मैं चलता फिरता समय सार, अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक सत्संग था गजपंथा में, शास्त्र थोड़ा नीचे था, उन्होंने कहा थोड़ा ऊंचा शास्त्र रखना चाहिए, किसी ने रख दिया होगा नीचे, फिर ऊंचा रखा। जिनवाणी माँ है, समय सार है, समय सार को आदर देना चाहिए, समय सार को जमीन पर नहीं रखा जाता, समय सार को ऊर्ध्व रखो, समय सार का अनादर मत करो, पृथ्वी पर मिट्टी पर समय सार को मत रखो। क्या कभी यह विचार आया कि साक्षात जीवंत समय सार को कभी ऊर्ध्व रखने का भाव आया, उसका आदर हो? यह तो हम जानते हैं कि घुटन से ऊपर तक शास्त्र हो, नीचे न हो, मगर मैं साक्षात समय सार में यहां के लिए नहीं, मैं लोक के अग्रभाग के लिए हूं, मैं पृथ्वी का मेहमान हूं। और कौन सी पृथ्वी? यह 201 देशों का समूह वह पृथ्वी नहीं, यह पृथ्वी, मैं पृथ्वी का मेहमान हूं, मैं मालिक नहीं हूं। और प्रति समय यह जागृति कि समय सार को ऊर्ध्व रखना, समय सार की महिमा आए बिना समय सार ऊर्ध्व होगा कैसे? मैं साक्षात समय सार हूं जो कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर लिखा नहीं गया, जिसके आश्रय से अनंत 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 ऐसी निराकुल शांति प्रकट होती है। यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। निरंतर तत्व विचार चलता रहे, तत्व विचार के काल में भी उस विचार पर जोर न हो तो वह विचार फिर पलट करके, विकल्प पलट करके, मर करके फिर वह निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित तो होता है। वह दशा कैसी है कि जब निरंतर तत्व विचार चले, विचार पर रह करके ज्ञायक को देखोगे तो ज्ञायक दूर दिखाई देगा। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक पर रह करके यदि ज्ञायक को देखे तो फिर विकल्प दूर दिखाई देते हैं, पर्याय दूर दिखाई देती है। द्रव्य पर ऐसा जोर, पर्याय की मलिनता हो, पर्याय की अशुद्धता हो, अनंत विकल्प उत्पन्न होते हो, विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी विकल्प पर जोर नहीं, जोर है ज्ञान की सत्ता पर। उसका रहस्य कैसा, उसके बारे में थोड़ा समझे। यह प्रयोग करना भगवान, ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ऐसी ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति की विकल्प का विकल्प भी नहीं, निर्विकल्प अनुभूति। आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में ये 181 नंबर की गाथा है, उवो गे उवो गो कोहा दिसु नथी कोवी उवो गो कोहो कोहे चेव ही ओ ओगे नथी खलु कोहो। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। ज्ञान
और क्रोधादि भाव, इनके बीच में भेद विज्ञान। क्रोध का भाव उत्पन्न होता होने पर भी, विकार की उत्पत्ति होती होने पर भी, विकार की रुचि न हो तो एकमात्र चैतन्य ज्योति का दर्शन होता है। रुचि ही नहीं, जिसको जिसकी रुचि है वह दिखाई देता है। ये निरंतर ये ज्ञान 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 अनुभव में आता है, यह ज्ञान अनुभव में आता है। दिया जलता हो और जलते हुए दिए में से वहां पर देखो कि धुआं उत्पन्न हुआ है, ये धुआं जो प्रकाशित हो रहा है, ये मिट्टी जो प्रकाशित हो रही है, मिट्टी और धुआं जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, ये ज्योति मात्र। जब धुआं प्रकाशित होता है, ये कहते हैं प्रकाशित होता है, मगर धुआं प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश ही प्रकाश है। और जिसकी रुचि मात्र प्रकाश की ओर है, उसे धुआं प्रकाशित हो तो भी दृष्टि प्रकाश की ओर ही रहती है, धुएं का जोर नहीं रहता। किसी भी विकल्प के काल में वह रुचि एकमात्र ज्ञान पर, ज्ञान की ज्योति पर। यह ज्ञान को दर्पण की उपमा दी। अपनी एक किताब है ज्ञान दर्पण सहस्त्री, 1000 दृष्टांत है दर्पण पर कि विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, क्रोध ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होता है, उस समय भी ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है और क्रोध का विकल्प नहीं। अनुभूति ज्ञान की होती है, क्रोध की नहीं, क्योंकि तन्मय हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, तन्मयता के बिना अनुभूति नहीं हो सकती। लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, लोकालोक ज्ञान में जानने में आ जाए, मगर जो अनुभव है, इसलिए लोकालोक का अनुभव नहीं हो सकता। आदिनाथ भगवान को महावीर भगवान का अनुभव नहीं हो सकता, आदिनाथ भगवान को लोकालोक का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव एक स्वयं का ही हो सकता है, क्योंकि तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी अभेदता, इसलिए तो विकल्प प्रतिबिंबित तो होते हो, मगर रुचि किसकी है? दुकानदार के पास गए दर्पण खरीदने के लिए। जब दर्पण खरीदने जाते हैं तो दुकानदार के हाथ में से दर्पण अपने हाथ में लिया, उस समय पूरा जोर कहां है? दर्पण 10 रुपये का है, 10 रुपये का दर्पण खरीदने के लिए गए। दर्पण कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो स्वच्छ कैसा है, उस पर चारों ओर फ्रेम कैसी है, दर्पण पर ही पूरा जोर है। उस दर्पण में अपना चेहरा भी प्रतिबिंबित होता है, मगर दर्पण खरीदते समय वहां पर ये ध्यान ही नहीं देते कि चेहरा कैसा दिख रहा है, पूरा जोर है कि दर्पण कैसा है। और जब दर्पण खरीद करके घर पर लेकर आ गए और रोज वह दर्पण को देखते हैं, मगर दर्पण का विकल्प नहीं है, मेरा चेहरा कैसा दिखता है। पहले रुचि दर्पण की थी, अब रुचि चेहरे की है। यह किसको प्रधानता दी? इसलिए ज्ञानी को ज्ञान में कोई भी ज्ञेय प्रतिबिंबित तो होता हो, यह जागृति है कि ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश हो ही नहीं सकता, वरना उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। भगवान, क्रोध यदि ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के कारण ज्ञान में मिल जाए तो क्रोध का स्वतंत्र अस्तित्व ही मर जाए, क्रोध का अस्तित्व ही मर जाए, अर्थात क्रोध की स्वतंत्र सत्ता ही मर जाए, वह भाग खाली हो जाए। जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है वह ज्ञान में मिल जाए, मगर ज्ञान में मिले कहां से? ज्ञान के अंदर जगह तो होनी चाहिए। एक समय की ज्ञान की पर्याय इतनी परिपूर्ण है कि क्रोध का विकल्प वो पर्याय में आए कैसे, क्योंकि ज्ञान में सर्वांग ज्ञान ही ज्ञान है, क्रोध आता ही नहीं। इसलिए चलते फिरते उठते खाते पीते बैठते सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को विकल्पों की उत्पत्ति के काल में यह जागृति कि मैं परिपूर्ण 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 चैतन्य, जिसमें अवकाश ही नहीं,
ऐसा परिपूर्ण। ये गहना हो तो गहने को ऐसे सोने का गिलेट किया हो ने, ऐसा कि ऊपर ऊपर से सोने का गिलेट किया है, मगर एक गहना ऐसा कि सोने का गिलेट नहीं किया ऊपर से, पूरा गहना ही सोने का है, ऊपर नहीं अंदर सब। ऐसे ही भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान ऊपर ऊपर नहीं, ठंड का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है, ऊपर ऊपर नहीं है, असंख्य प्रदेशों में ये चैतन्य के घन में सर्वांग ज्ञान ही ज्ञान है, और जिसमें अवकाश नहीं। खाली गिलास हो तो उसमें नया पानी भरा जा सके। मैं चैतन्य तत्व जब असंख्य प्रदेशों में ज्ञान से भरपूर हूं तो क्रोध का विकल्प कहां से अंदर घुसेगा। इसलिए क्रोध प्रतिबिंबित तो होता होने पर भी यह श्रद्धा है कि मैं परिपूर्ण, इसलिए क्रोध के काल में भी निराकुलता है, आकुलता नहीं है भगवान। ऐसा मैं चैतन्य परमात्म तत्व, ऐसी जहां अंतर में अंतर में अंतर में यह धारा चलती हो, क्रोध के भाव आते हैं और जाते हैं। यह जागृति, मेहमान घर में आए और गिलास में मेहमान को शरबत दिया, ये कितनी श्रद्धा है कि यह शरबत ही मेहमान के पेट में जाने वाला है, गिलास तो मेरे पास रहेगा, यह पूरी श्रद्धा है। यह क्रोध का भाव जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है वो जाएगा, मगर ज्ञान तो यही रहेगा, ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, और शरबत मेहमान के पेट में जाएगा। ये क्रोधादि भाव किसी मेहमान के पेट में नहीं जाते, ये स्वयं ही मेहमान होकर के आए हैं और जाते हैं, मगर मेहमान होकर के चैतन्य महल में नहीं आते, चैतन्य महल के आंगन तक ही वे रह पाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ये देह राग की दीवार है और क्रोधादि विकल्प ये चैतन्य महल के आंगन में पैदा हुए कांटे हैं। ये कांटे, कांटे के माध्यम से समय सार की रचना हुई, मगर आचार्य कुंदकुन देव कांटे को पकड़ते नहीं है। बाहर से देखो तो कांटे को पकड़ा है ऐसा दिखता है, कांटे को पकड़ा नहीं है, कांटा कांटे में है। ये गाथा ये कहती है कांटा कांटे में है, और कौन सा कांटा, ये समय सार लिखने का उपयोग उपयोग में है, ये लिखने के विकल्प का कांटा, ये विकल्प कांटा है, ये लिखने के विकल्प रूपी जो कांटा है वह कांटा कांटे के अंदर है, ज्ञान में नहीं है, और ज्ञान में नहीं है। जब तक इतना अहोभाव नहीं आता तब तक वो क्रोध का भाव जाता नहीं। क्रोध का भाव दूर करना चाहते हो कि क्रोध से छूटना है, क्रोध से छूटना है, क्रोध से छूटना है, ये पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि वाले को क्रोध छूटता नहीं है। मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव ऐसी मस्ती में जो मस्त रहता है भगवान, वो जहां रहता है वो एक कमरे में जैसे कोई लेटा हो और फिर दूसरे कमरे में उसको ले जाओ, दूसरे कमरे में गया, उसको पूछो कि पहले कमरे से दूसरे कमरे में गया कैसा लग रहा है, वो कहता है मैं पहले कमरे में भी नहीं और दूसरे कमरे में भी नहीं, मैं नींद में हूं, मैं कमरे में नहीं हूं। और खास तो ये कि वो इतना बोलता भी नहीं है, वो तो चुपचाप अंतर में मस्त है। जिसे पहले ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी ज्ञान अनुभव में आता है, दूसरा ज्ञेय प्रतिबिंबित होता हो तो भी ज्ञान 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 अनुभव में आता है, उनके सामने अगणित ज्ञेय पलट जाए, मगर वे तो अंतर में मौन है, मौन है, वे ही मुनि है। आचार्य कुंदकुन देव मुनि है क्योंकि मौन है, निर्विकल्प। ये विकल्पों का कोलाहल जहां शांत हो जाए तब मौन की दशा प्रकट होती है, और विकल्पों का कोलाहल जहां पहुंचता ही नहीं है, ऐसा त्रिकाल मौन स्वरूप में चैतन्य तत्व, छोटी छोटी घटनाओं से यदि ये प्रयोग किए जाए तो वह दशा प्रकट होगी, और यह सभी को प्रकट हो सकती है। कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, बस अंतर में ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, सामने काला रंग दिखाई दिया, सफेद रंग दिखाई दिया,
ये ज्ञान कहां से व्यक्त हुआ? इंद्रियों में से। नल में से पानी, कितना पानी आता है? पानी नल में से आता है। पांच जगह पर नल है घर में, नल में से पानी आता है। नल में से पानी आता ही नहीं है, पानी तो टंकी में से आता है ना, टंकी में से भी नहीं, पानी पानी में से ही आता है, नल में से पानी नहीं आता। नल के अंदर पानी कहां है कि वहां से पानी आए? ये शरीर के परमाणुओं को ऐसे ही देखता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जैसे लैपटॉप के परमाणु को, जैसे माइक के परमाणु को, ऐसे ही ये शरीर के परमाणु को ऐसे ही देखता है। और ये देखता है कि जैसे ये माइक के परमाणु के कारण जानना नहीं हो रहा, ऐसे ही ये देह के परमाणु के कारण जानना नहीं हो रहा। वर्तमान में ही ऐसी ये दशा, वर्तमान में ही ये देह को मुर्दे के रूप में देखने की कला, अलग ही न दिखाई दे, दोनों में भेद ही न दिखाई दे, ऐसी दृष्टि। मैं जब गजपंथा से देवलाली के बीच में जो श्मशान आता है, 6 महीने से मैं श्मशान में रहा। रात को जब मैं वहां श्मशान में चिता के ऊपर लेटता था और पास में लगातार ऐसी चिताएं हैं, वो चिता के ऊपर जब पास में एक चिता जल रही थी, मैं दूसरी चिता के ऊपर रात को लेटा था, वो दृश्य जो देख रहा था, ऐसा दृश्य था भगवान कि जैसे वहां वो चिता जलती है, वो चिता जलने से मैं नहीं जलता, ऐसे ही ये राख की दीवार ये यहां पर लेटी है, ये पूर्व तैयारी है, ये पूर्व तैयारी है, भविष्य में जो वहां पर चिता जलने की ये पूर्व तैयारी है, मगर उतना दूर दिखाई दे, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, वहां जो दिखाई दे रही है चिता जल रही है, उसका मतलब कि उसे जानने वाला नहीं जल रहा। ये जो पता चल रहा है कि ये क्रोध का विकल्प आया, कल क्रोध का भाव आया था और आज क्रोध का भाव नहीं, मगर ये भाव आया कि कल जो मुझे क्रोध आया वो क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए था, तो क्रोध अभी नहीं है, मगर कल जो मुझे क्रोध आया था वो क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोध का ज्ञान आज हो रहा है, आज क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है मगर क्रोध का ज्ञान है, अर्थात क्रोध के कारण क्रोध का ज्ञान होता तो आज क्रोध होना चाहिए। क्रोध के ज्ञान के लिए, ज्ञान का जानना स्वतंत्र है, उसे क्रोध के साथ कोई लेना देना नहीं। ऐसा जो ज्ञान सभी विकारों में ऐसे देखना, और इसलिए क्रोध को निकालू 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 ये भाव ही नहीं आता। दर्पण में से मैं उस शेर को दूर कर दू, ये दूर करने का विकल्प जो है, ये विकल्प भ्रांति है दर्पण के संबंध में। एक भी विकार, अनंत जन्म मरण हुए ना, ये सब कथा कहानियां सब झूठी, अनंत जन्म मरण हुए, अनंत जन्म मरण हुए, ओ अनंत 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 जन्म मरण हुए, मगर अनंत जन्म मरण हुए किसके? देह की बात नहीं है, अनंत विकल्पों के जो जन्म मरण हुए, उन विकल्पों में तो मैं हूं ही नहीं, मगर वो जो अनंत विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए, अनंत विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए, उस ज्ञान की पर्याय में भी मैं नहीं, क्योंकि उस ज्ञान की पर्याय में मैं होता तो मेरी मृत्यु हो जाती, वो अनंत पर्याय की मृत्यु हुई है, और उस ज्ञान की पर्याय में, इसलिए पर्याय को पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के पड़ोस में ये पर्याय वास करती है। ये जो जानना है ना, जानना जानना जानना, ये हो रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये पर्याय का जानना है, और मैं ध्रुव, ऐसा जब तक ध्रुव का जोर नहीं आएगा तब तक वो पर्याय में निर्मलता प्रकट नहीं होती। पर्याय है वो पर्याय द्रव्य की है, मगर पर्याय की वकालत वो बंद कर देता है कि पर्याय तो मेरी ने, ऐसी वकालत नहीं करता, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, इसलिए वो भगवान
एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आए ऐसा त्रिकाल त्रिकाल, उसका प्रमाण क्या कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जो जानने में आया, एक समय की पर्याय में, वो समझना, एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया। ओ हो 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 हो, त्रिकाल, ऐसा त्रिकाल स्वरूप, एक त्रिकाल माने कल वाला परसों वाला ऐसा नहीं, त्रिकाल एक रूप, ऐसा जो 4 बजे ज्ञान में जानने में आया, तो वो कैसा जानने में आया, अशुद्ध या शुद्ध? कि शुद्ध जानने में आया कि मैं भगवान आत्मा शुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बजे 2 बजे ऐसे जो अनंत विकार भूतकाल में हुए थे, वो अनंत विकार भगवान आत्मा में मिले होते तो भगवान आत्मा जो त्रिकाल जानने में आया वो शुद्ध नहीं आता, भूतकाल वाला अशुद्ध अनुभव में आता। तो भूतकाल की जो अशुद्धता है वो अशुद्धता उसमें मिली नहीं, इसलिए तो त्रिकाल शुद्ध अनुभव में आया। ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, उसका सूक्ष्म भाव है ये त्रिकाल। एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, हो ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय में नहीं आता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, ज्ञान की पर्याय में आ जाता तो पर्याय के व्यय होते ही वह स्वयं उसका नाश हो जाता, इसलिए जानने में आता है, जानने में आता है, पर्याय में नहीं आता है। वो स्वतंत्र स्वतंत्र सूरज है चांद है, वो झील में प्रतिबिंबित होते हैं, पानी के बहते प्रवाह में वे प्रतिबिंबित होते हैं, और उन्हें कोई लेना देना नहीं कि नदी बह रही है उसमें मेरा प्रतिबिंब पड़े, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य करे तो सुखी, और पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य न करे तो दुखी। पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का, ऐसा हो समझना, पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य करे तो सुखी, पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य न करे तो दुखी। कौन पर्याय? लक्ष्य करे या न करे, मैं त्रिकाल सुख, ऐसा जब तक दृष्टि में नहीं आता तब तक वो दृष्टि में आ गया ना, मैं त्रिकाल सुख, इसी में तो पर्याय द्रव्य में आई, मैं त्रिकाल सुख स्वरूप द्रव्य दृष्टि है क्या? कि अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय का रस मिटते ही, सागर की उछलती तरंगों में तरंगों की रुचि मिटते ही, मात्र सागर का दर्शन, मैं कहूं आप तरंग को देखते ना, तरंग को मत देखो सागर को देखो, तो आपने चेहरा घुमा लिया और पीछे कर दिया कि कहां है सागर, कि सागर कहीं और नहीं है, वो जो तरंग है उन तरंगों में ही तरंग की रुचि न रहे तो सागर दिखाई देता है। इसलिए पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है, क्योंकि पर्याय में पर्याय की रुचि न रहे तो पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है। और यह दृष्टि मटके में मिट्टी का दर्शन हो, मटके की रुचि नहीं, मटके में मिट्टी का दर्शन हो, मटके से नफरत भी नहीं, मटके से नफरत भी नहीं और मटके की रुचि भी नहीं, मटके की अवस्था के काल में रुचि मात्र मिट्टी की, जिसके कारण होगा क्या कि मटका नीचे गिरेगा फूट जाएगा, मटका फूट सकता है मिट्टी नहीं फूट सकती, ऐसी जिसकी मिट्टी पर दृष्टि, ऐसे ही ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में, ऐसा ये ज्ञान का निरंतर बहता प्रवाह, मगर प्रवाह में एकमात्र ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो यात्रा नहीं करता, वो बहता नहीं है, पर्याय के साथ में वो बहता नहीं है, पर्याय के साथ में उसकी यात्रा नहीं हुई, ऐसा ये चैतन्य
कोई शिकायत नहीं रहेगी भगवान, कोई शिकायत नहीं रहेगी। अंधेरा शिकायत करे भगवान की सभा में जाकर के ऐसा कि मुझे वो जो प्रकाश है वो परेशान करता है, जहां पर मैं जाऊं वो पीछे पीछे आकर के मुझे खत्म कर देता है, ये प्रकाश मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा हत्यारा है। प्रकाश को हाजिर किया उस अदालत में, उस सभा में, कि तू अंधेरे को परेशान क्यों करता है। प्रकाश कहता है कौन सा अंधेरा, मेरे को तो पता ही नहीं है अंधेरा कौन सा। ऐसा जो कहता है क्रोध से मैं बहुत परेशान हूं, ज्ञानी कहते हैं कि मैं जब ज्ञान का ही अनुभव करता हूं है कौन ये क्रोध, मैं तो क्रोध को जानता नहीं, ज्ञान में ज्ञान को ही जानता हूं। आज नाचना हो सब आप, आज ये नाचना ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा आज रात को सपने में ज्ञान आना चाहिए। जानना जानना जानना, सपने में जानना जानना आना चाहिए। आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि सपने में जानना तो तब आए, सपना तो तब आए जब नींद आए। तुम तो सो ही न सको, ऐसा चिंतन चले जानना जानना जानना, ऐसी अंदर में जो धारा चलती है ना भगवान, वो राग की दीवार का पड़ोसी और चैतन्य तत्व का दीवाना। ऐसा चैतन्य तत्व का दीवाना उपयोग जब एक समय के लिए अंतर्मुख होता है, उस समय दृढ़ निश्चय होता है। कैसा निश्चय होता है उसके बारे में समझो। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति जैसे होती है, तो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व क्षणिक का बोध और जो चैतन्य तत्व विचार और चिंतन की धारा चलती है, असंख्य समयों तक चैतन्य तत्व विचार जो चलता है, परम कृपालु देव ने कहा जो विचार से ध्यान की यात्रा, औषध विचार ध्यान, ये जो यात्रा होती है चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मगर वो निर्णय विकल्प से हुआ था। विकल्प से होने वाला निर्णय, वो निर्णय विकल्प से हुआ इसलिए वहां आनंद नहीं आया। जब वो विकल्प भी गिर गया, विकल्प का पर्दा भी गिर गया, और विकल्प का पर्दा गिरा इसलिए ज्ञान की धारा बही। ऐसा नहीं है जैसे एक झरना है और झरने के बीच में चट्टान हो और वो चट्टान हट जाए और फिर झरना बहे, वो चट्टान ने कुछ भी नहीं किया झरने को बहाने के लिए, उसका स्वभाव था झरने का बहने का, वो बहता है, चट्टान कुछ करने नहीं चाहती। विकल्प हट गया इसलिए अनुभव में नहीं आया भगवान आत्मा, अनुभव तो स्वभाव है, विकल्प क्या करेगा। ऐसा अनुभव स्वभाव, और जब अपना ही अनुभव हो रहा है, पर के अनुभव के काल में भी स्वयं का अनुभव, पर का अनुभव है ही नहीं, यहां तो मैं ही अनुभव में आ रहा हूं, मुझे मेरी ही अनुभूति हो रही है, तो दुख क्यों है, ये संसार क्यों है। संसार है क्योंकि स्वयं में स्वयं की अनुभूति होती होने पर भी स्वयं में पर की अनुभूति मानी, यही मिथ्यात्व है, और इस मिथ्यात्व के कारण दुख है। अनुभूति के लिए अपने में आना नहीं है। एक व्यक्ति सपना देखता है कि अमेरिका में है और उसे इच्छा हो गई कि अमेरिका से मैं भारत आऊं, तो उसे सबसे पहले टिकट खरीदनी पड़ेगी, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर उसे विमान में बैठना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। सपने में है कि मैं अमेरिका में हूं, सीधा जाग जाए तो भारत पहुंच जाता है, पहुंच नहीं जाता, भारत में ही है, भारत में ही है, अमेरिका से भारत आता नहीं, अमेरिका में हूं ये भ्रम छूट जाता है, अमेरिका नहीं छूटा, ये भ्रम छूट गया। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति है, ओ हो 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 हो, एक समय की ज्ञान की पर्याय, घर पुत्र पत्नी परिवार इन सब का त्याग किया, मगर करने का अहंकार नहीं। आज सुबह सत्संग हुआ ना स्थानकवासी वहां उपाश्रय में भिलवाड़ा, कि वहां पर इतना त्याग किया, इतने व्रत तप का पालन किया, मगर ज्ञानी व्रत तप का पालन ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है,
और जिसे उस ज्ञान की पर्याय में भी रुचि नहीं है, रुचि नहीं, पर्याय में भी रुचि नहीं, जैसे वो शादी होती थी पहले, आपके यहां तो पता नहीं मगर पहले वो दहेज मांगते थे, लड़की वाले लड़के वाले को कुछ दहेज में देते। अब लड़की वाले ने कहा कि हमारी बेटी की शादी अब आपके, तो के पहले दहेज कितना दोगे, कि 5 किलो सोना मांगा। अब 5 किलो सोना लड़की वालों ने कहा ठीक है, वैसे भी शादी हो नहीं रही थी कितने ही सालों से, 5 किलो सोना दे करके हो जाए तो अच्छा, झंझट छूटे, 5 किलो सोना देने को तैयार हो गए। शादी के मंडप में वहां पर 5 किलो अंगूठी रखी सोने की, उनको गुस्सा आ गया कि हमने अंगूठी नहीं मांगी, हमने तो सोना मांगा था, सोना दो। फिर इन्होंने अंगूठी हटा करके चूड़ी रखी कि नहीं चूड़ी भी नहीं चाहिए, सोना चाहिए 5 किलो। फिर सोने का जो बिस्कुट आता है वो बिस्कुट ही वहां पर रख दिए कि लो, बोले बिस्कुट भी नहीं चाहिए हमें, सोना चाहिए। कभी सोना मिल ही नहीं सकता, सोना जब भी आएगा तो पर्याय के साथ में ही सामने आएगा, मगर पर्याय को नजर में न ले तो सोना ही मिल जाता है। ऐसा पर्याय नजर में आए तो सोना नहीं मिलेगा, दहेज लेने से वंचित रहेगा। ऐसे ही जब भगवान आत्मा जानने में आता है तो पर्याय सहित जानने में आता है, मगर उस समय दृष्टि का विषय पर्याय नहीं, दृष्टि का विषय द्रव्य है, यह जानने में आता है। मैं जब छोटा बच्चा था तो मां रोटी बनाती ना, तो रोटी बनाने के काल में वो गोला बनाती, पहले रोटी के गोले और गोला क्या बोलते हैं उसको, लोया, लोया ऐसा तैयार करती और फिर रोटी, मगर वो एक आध लोया में ले लेता, फिर खेलता, फिर ऐसा ऐसा करके वो सांप बनाता, ऐसा ऐसा सांप बनाता, फिर उसके बाद में मैं करता तो चिड़िया बनाता, फिर उसको बदल करके गाय बनाता, ऐसा ऐसा आकार बनाता। मगर मां देख रही है कि तू जो करना है वो कर, अभी थोड़ी देर में उससे रोटी बनने वाली है। तो इतनी अवस्था जो बदल रही है, यदि वहां पर सांप है, चिड़िया है, यदि गाय है, तो उसमें उसके तत्व होने चाहिए। वो चिड़िया जैसा आकार है, चिड़िया जैसा आकार है, मगर वो जो स्पर्शना हो रही है वो चिड़िया की नहीं है, वो जो स्पर्शना हो रही है वो गाय की भी नहीं है, आटे की है, बस मात्र आटे की है। तो जब भी ये जगत के ज्ञान में जानने में आते हैं, ये जो अनुभव में आ रहा ये जगत नहीं है, ये ज्ञान है, क्योंकि जगत का आकार जगत में है और ज्ञान का आकार ज्ञान में है। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ओ हो हो, भगवान आत्मा ये ज्ञान का आकार हो, इतनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा भगवान, ऐसा ये स्वतंत्रता का अनुभव कि कांच के गिलास में जैसे पानी डाला ने, ओ हो हो, पानी डाला तो पानी का आकार और गिलास का आकार, ये दोनों का आकार एक सा है, एक दूसरे का नहीं है, ये आकार एक सा है, जैसा गिलास का आकार ऐसे ही पानी का आकार। तो ये पानी का आकार गिलास के कारण हुआ या नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, गिलास के कारण होता तो उस गिलास में पत्थर के टुकड़े डालता तो उसका आकार भी गिलास जैसा हो जाना चाहिए, वो पानी में वो शक्ति है, इसलिए पानी का आकार ऐसा हुआ है, गिलास के कारण नहीं हुआ। ज्ञेय जैसा है ऐसा ज्ञान का आकार होता है, ऐसा ऐसा ज्ञान का आकार होता है, मगर ज्ञेय के कारण नहीं होता, वो ज्ञान की अपनी योग्यता के कारण वो आकार होता है, ऐसा हो हो हो। दोनों का आकार, गिलास का आकार और पानी का आकार। और जब कोई प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है तो वो गिलास के आकार को देखता है कि पानी के आकार को, दो में से किसी के नहीं, वो पानी बस, मुझे ऐसा पानी वहां ऐसा आकार, उसकी ओर ध्यान जाता है, उस कैसे आकार है पानी का। जब पानी उसके जीभ पर गया, न गिलास का आकार न पानी का आकार, न तो जगत का ज्ञेय का आकार न ज्ञान का आकार, क्योंकि वो आकार भी एक समय की अवस्था है।
उस ज्ञान की अवस्था में दृष्टि और रुचि तो ज्ञान की सत्ता पर, ऐसा सत्ता मात्र पर रुचि, ऐसी सत्ता मात्र पर रुचि होने से ओ ओ ओ कुछ भी नयापन नहीं, पूर्ण वितरागता से सर्वज्ञता प्रकट हुई तो एक समय में छद्मस्त अवस्था का व्यय हो गया, लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ता, कितनी सहजता, क्योंकि जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं उन ज्ञेयों में भी रुचि नहीं, ज्ञेयों को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय में रुचि नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय में रुचि यह संसार की रुचि है, क्योंकि पर्याय की रुचि वो संसार की रुचि है, पर्याय की रुचि माने मिथ्या दृष्टि, द्रव्य की रुचि माने सम्यक दृष्टि, इसलिए ज्ञानी को कुछ भी हर समय ऐसा 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 जानने में आता है, मैं चैतन्य महल, ये चैतन्य महल ऐसा दिखाई दे, सिंगोली गांव का नाम सिंगोली, सिंगोली में मुझे अभी कहा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, भगवान विराजमान हुए मंदिर के अंदर, भगवान आ जाए अज्ञानी उसमें आनंदित होता है, ज्ञानी कहते हैं कि मंदिर से बाहर भगवान चले जाए उसका नाम धर्म है, कौन सा मंदिर, ये देह रूपी देवालय से मुक्त होकर के ये भगवान निकल जाए वो असली धर्म का फल है, मंदिर के अंदर भगवान नहीं आए, मंदिर में से भगवान निकल जाता है, और जब तक तुम्हारा देह मंदिर ना हो जाए तब तक तुमने धर्म समझा ही नहीं, चलता फिरता मंदिर, चलता फिरता मंदिर, प्रति समय यह जागृति, भगवान भगवान मंदिर के भीतर तो जड़ प्रतिमा है, मंदिर के भीतर तो दान पेटियां भी होती है, मुझे पता नहीं, दान पेटी मंदिर के अंदर दरवाजे पर निस्सही 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 कि कोई भी संसार का विकल्प नहीं चाहिए, और अंदर जाकर के रुपये का विकल्प, अंदर मंदिर के अंदर हम जाते इसलिए है कि हे भगवान मैं अपने में लीन होना चाहता था मगर आपका विकल्प बार बार खटकता था, इसलिए एक बार आ गया आपके दर्शन हो गए मैं अपने में लीन होता हूं, अंदर आने का मतलब भगवान को याद करने मंदिर नहीं आते, याद तो अपने घर पे ही आ गए थे, मंदिर में तो भूलने के लिए आते हैं कि अपने में मैं लीन ऐसा हो जाऊं कि आपको भी भूल जाओ, मगर दर्शन करके भगवान को नहीं भूलते, पॉकेट में हाथ डालकर रुपया निकालना, ये सब व्यापार चालू हो गया, वितरागी परमात्मा कोई भी आगम लेकर के आओ मंदिर के अंदर ये दान पेटी रुपया, रुपये की परंपरा अनादिकाल की नहीं थी, क्योंकि रुपये अनादिकाल से नहीं थे, मैं तो देखना चाहता उस आगम को कि जहां पर दान पेटी जिनेंद्र भगवान के मंदिर के अंदर कोई मुझे दिखाए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके तो एक ही कि चैतन्य हे वितरागी सर्वज्ञ भगवान आपके विकल्प में जब मैं अपने में लीन नहीं हो पाता ये आ गया आपके दर्शन हो गए, इसलिए आपको पता है जब भगवान के दर्शन करते पूजा करते अंत में कायोत्सर्ग होता है, वो कायोत्सर्ग क्या है, चावल चढ़ाने के बाद में पूजा करने के बाद में खड़े होकर के करते हैं, वो हाथ जोड़ करके कर सकते हैं कि नहीं, नमोकार मंत्र का 9 बार जाप हाथ जोड़ करके करो ना, नहीं, वो कायोत्सर्ग की मुद्रा है, वो इसी बात को बताती है कि हे भगवान हाथ जोड़े थे ये विकल्प था जोड़ने का, ये विकल्प था, जब ये विकल्प गिर गया तो ऐसे हाथ सीधे हो गए, वो ध्यान की मुद्रा है, वो निर्विकल्प ध्यान की मुद्रा है, हाथ जोड़ना ये ध्यान मुद्रा नहीं है, इसलिए कायोत्सर्ग कहा, काया से भी उसका उत्सर्ग हो गया, भगवान के दर्शन करने का फल ये है, आपके इस गांव में जिनेंद्र भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा हुई, बस आपकी पर्याय में त्रिकाल चैतन्य परमात्मा की प्रतिष्ठा,
पर्याय में प्रतिष्ठा हो, उसके लिए पंच कल्याणक नहीं, एक ही कल्याणक होता है, पांच पांच कल्याणक थोड़ी हो सकते, कल्याणक तो एक ही त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जिसके आश्रय से कल्याण होता है। ऐसा जोर जब तक नहीं आता, वरना कुल परंपरा में रखेंगे जन्म से लेकर मरते दम तक ये कर लेंगे, मगर अंदर से वंचित रह जाएंगे, अंतर की अनुभूति से वंचित रहेंगे और भ्रम पैदा होगा, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से ये भ्रम पैदा हो सकता है। रोज सुबह उठ करके एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलते हैं, हाय हेलो नहीं बोलना, जय जिनेंद्र। मगर तुम विचार करो, जय जिनेंद्र जब तुम बोलते हो उस समय जिनेंद्र भगवान कितनी बार याद आए, किसी के सामने जय जिनेंद्र, या फिर यह मशीन की क्रिया है, जैसे कैसेट बोलती हो ऐसे बोलते हो, सामने रमेश भाई मिले जय जिनेंद्र, उस समय जिनेंद्र भगवान स्मरण में आए हैं। मैंने तो ऐसे व्यापारियों को देखा है, फोन लगाते फोन, हेलो जय जिनेंद्र, मेरे रुपये का क्या हुआ, तात्कालिक मुझे रुपये चाहिए, देख आज शाम तक पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वैसे भी कोई नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आज शाम तक 6 बजे तक पैसे भिजवा देना, हाँ ठीक है चल, जय जिनेंद्र। मगर इस जय जिनेंद्र से एक भ्रम पैदा होता है, मैं धार्मिक हूं, मैं हाय हेलो नहीं बोलता, मैं जय जिनेंद्र बोलता हूं, मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं जो तुम बोलते हो जो तुम करते हो उसमें प्राण डालो, उसमें जीवन, उसमें जागृति के प्राण डालो, तब तुम्हें अनुभव होगा कि अब तक की जो भी क्रिया हुई थी वो सब बेहोशी में हुई थी। और बेहोशी में कितनी भी यात्रा हो जाए, जैसे नाव को कितनी भी पतवार लगाओ, वो शराबी चार नाव को पतवार लगाते रहे, मगर रात से सुबह तक पतवार इतनी चलाई, सुबह उठकर देखा कि नाव तो वहीं पर ही है, क्योंकि वो रस्सी छोड़ना भूल गए जो किनारे के साथ बंधी थी। ये क्रियाएं होती रहती है, जागृति के प्राण, यू जस्ट बी रेडी टू बी डाइवर्टेड एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एट नेक्स्ट मोमेंट, and that's the reason I say awareness is the supreme religion. You just be aware that I am the soul and separate from the body and all types of material outer objects, and at that moment, in spite of being with the body, you will realize that you are out of the body. Whole world will see you that you are with the body, but you will realize that you are not there at all, and it doesn't matter what whole world will think about you, you will realize that thing. आज जो पूरी पृथ्वी पर, आज मेरा यहां पर आना हुआ, समय तो बीत गया, मुझे तो बहुत कुछ कहना था, कह नहीं सका, कह देता हूं अधूरा रह जाएगा, कही न शक्या श्री केवली भगवान, केवली भगवान भी जिसको नहीं कह सके उसको मैं कैसे कहूं, कृपालु देव कहते हैं। आपको पता होगा कुछ साल पहले मैं यहां आया था, मुझे बताया, मुझे तो याद नहीं रहा था, नगर यहां पर आया था, तेईस मार्च, ओ हो हो, देखो डेट के साथ में याद रखा है, 23 मार्च को यहां पर आना हुआ था, हमारा एक मिशन आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन था, मेरी भावना थी वितरागी परमात्मा की वाणी सारी पृथ्वी पर पहुंचे, सभी जगह पहुंचे, किसी भी प्रकार के बंधन के बिना, 142 देशों की 415 भाषाओं में अनुवाद करके 1,00,000 केंद्र पर यह वाणी पहुंचाने का भाव आया, जो 3 साल के भीतर वह मिशन सफल पूरा हुआ, 158 देश जो दुनिया के, उसमें से 153 यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर है, सभी देशों की नेशनल लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई, और वहां 153 देशों में मेरा वहां के डायरेक्टर से इतना अच्छा परिचय था, सबके साथ में इतनी मित्रता हो गई थी,
तो विचार आया कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथों में समय सार पहुंचा, उसके इस साल 100 बरस पूरे हो रहे हैं, 1921 से लेकर ये 2021, ये 100 बरस पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष की पूर्णाहुति के उपलक्ष में 100K का मतलब 100 ईयर्स ऑफ कांजी स्वामी, 100K का दूसरा अर्थ होता है 1,00,000। ये YouTube देखते ना, उसमें पता होगा 3K 4K वो जो व्यूअर्स होते हैं ना, 100K माने 1,00,000। तो 100 ईयर्स पूरे हुए कांजी स्वामी के हाथ में समय सार आया, तो 1,00,000 केंद्र पर पूरी पृथ्वी पर इस शास्त्र को पहुंचाया जाए, समय सार पहुंचे। और मैंने भावना भाई थी 1,00,000 ईमेल पर भेजने की, अभी तो फ्लाइट सब बंद है कुछ कुछ देशों की छोड़ करके, मगर थोड़े दिन पहले ही जब गजपंथा में हमारी शिविर पूरी हुई तब ये भाव आया पर्युषण के बाद में कि इस बार ऐसा समय सार का प्रचार प्रसार हो, पता नहीं किसका जीवन पलट जाए। 1,00,000 ईमेल के ऊपर, ईमेल बोलता है ना सबका, 1,00,000 ईमेल के ऊपर समय सार की पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं, और मेरे पास में 1,00,000 ईमेल आईडी कहां से निकालूं? 1,00,000। मगर दिल्ली में हमारी एक साधक के घर पर स्थापना थी, ज्ञान दीपक के निवास स्थान पर, उनके बेटे ने कह दिया आपको ईमेल आईडी चाहिए, हमारे पास में तो पूरी दुनिया के इतने लोगों के ईमेल आईडी है। एक बच्चा बोलता है मेरे पास 5 मिलियन है, दूसरा कहता है मेरे पास 5 मिलियन, एक के पास 50,00,000, दूसरे के पास 50,00,000, 1 करोड़ ईमेल। और अभी हम अगले महीने जनवरी महीने से पूरी दुनिया के 1 करोड़ ईमेल पर समय सार को भेज रहे हैं, 1 करोड़ ईमेल पर। और मेरी यह भावना है कि हम कल यहां रहे ना रहे, यहां हो कहीं ना कहीं तो अवश्य रहेंगे, यहां रहे ना न रहे मगर इस पृथ्वी पर यह वितरागी वाणी सुरक्षित रहे, इस भावना से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च मैं तो सब जगह गया हूं, जाता हूं। आज सुबह ही कोई कहता था मेरे मस्जिद में प्रवचन हुए, चर्च में हुए, गुरुद्वारा में हुए, जेलों में भी हुए। ये चित्तौड़गढ़ की जेल में ले जाने वाले मुझे बैठे यहां, अंबाला की जेल, लुधियाना, पूना, मुंबई, सब जगह जाता हूं, क्योंकि मैं इस कुएं पर किसी का कब्जा हो जाए ये नहीं चाहता, ये कुएं का पानी सबको मिले। और लोग आज सुबह ही कोई कह रहा था कि गृहित मिथ्या दृष्टियों के पास आप जाते हो, जो गृहित मिथ्यात्व का पोषण करते हो उनके हाथों में समय सार। स्थानकवासी संप्रदाय को तुम गृहित मिथ्यात्व मानते हो कि नहीं? यदि तुम गृहित मिथ्यात्व मानते हो तो पूज्य गुरुदेव श्री को स्थानकवासी संप्रदाय में समय सार क्यों दिया? गृहित मिथ्या दृष्टि के पंथ में तुमने समय सार वहां दिया, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए था समय सार, मगर किसका जीवन पलटे तुम नहीं जानते। अहंकार और आग्रह को छोड़ करके पूरी पृथ्वी पर पहुंचाओ वाणी, क्योंकि ये औषधि है। लोग कहते पापी को आप मत दो, मांस खाने वाले को ये वाणी। आकाश में से चारण रिद्धिधारी मुनिराज जब शेर को उपदेश देते हैं तब उस समय गांव में शहर में इधर उधर कहीं कोई मनुष्य नहीं थे, कोई मनुष्य न मिला कि शेर के पास पहुंच गए। और वो भी उसको कहा था कि पहले कुल्ला करके आ, ब्रश करके आ। कितना भी बड़ा पापी हो, इसी वजह से 18 देशों में 5,000 से ज्यादा मुस्लिम और ईसाई शाकाहारी हुए, तुमसे अनुमोदना करने को भी नहीं कहता, मगर झूठी तरह से ईर्ष्या से तुम निंदा तो मत करो जिनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मोम्बासा की जेल केन्या के अंदर नैरोबी के पास में 600 में से 300 कैदियों के लिए आज वहां पर वेजिटेरियन भोजन मिलता है, जिनके थाली में कभी ऐसी वस्तु का नाम भी मैं आपको लूं तो आपको लगे अरे ऐसा। आज उनके जीवन में यदि जैन भोजन यदि शुरू हुआ है, 5,000 मुस्लिम और ईसाई, और उनके हाथों में ये वाणी, पता नहीं कब किसका जीवन पलटे। और मेरा तो ये भाव था
की वाणी सब जगह पहुंचानी है। मुझे तो बहुत से लोगों ने कहा ऐसे पापियों को, ये वाणी पापियों के लिए है, ये पापियों के लिए। कोई व्यक्ति अस्पताल खोले और ये कहे कि बाहर दरवाजे पर लटका दे बोर्ड कि मरीजों को अंदर आना मना है, तो अस्पताल खोला ही क्यों है? ये धर्म तो उन्हीं के लिए तो है जो पाप के कीचड़ में गिरे हुए हैं। इसलिए तो मैंने हत्यारों को भी गले लगाया है। चित्तौड़गढ़ में एक एक कैदी को मैं मिलता था ना, आपने देखा है नजर के सामने, आओ तुम आओ। और पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे ना कि वो भी परमात्मा है, मगर ये परमात्मा तुम्हारी वाणी तक ही सीमित न रहे, एक बार प्रयोग तो करके देखो। अनंत सिद्धों के साथ सिद्ध शिला पर बैठने की भावना पाने वाले अपने नौकर के साथ थोड़ी देर ऐसे बैठो एक सोफा पर, पता चलेगा। विचार तो करो, न बैठो तो कोई बात नहीं, मगर भाव तो आए। इसलिए समय सार की स्थापना पूरी पृथ्वी पर अभी हो रही है और 2 मई से पहले ये 1 लाख की भावना थी, 1 करोड़ स्थान पर भी समय सार पहुंचेगा। मैंने समय सार पर एक टीका लिखी है, संक्षिप्त टीका है, द इल्यूमिनेटर ऑफ द प्योर सोल, अभी अंग्रेजी में आई है, न्यायक भाव प्रकाशक, उसका हिंदी में मूल लिखा, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। उसमें खास करके आपके जैसे जो यंगस्टर है, बच्चे हैं, उनके लिए 415 गाथाओं को एक एक गाथा के साथ कम से कम एक दृष्टांत, दूसरी गाथा के साथ दूसरा दृष्टांत, ऐसे 415 दृष्टांतों के माध्यम से, और इतने सरल दृष्टांत है कि जो जन्म से जैन हो न हो किसी को भी यह समझ में आ सके, इतना सरल भाषा में है। वो अगले महीने हिंदी में, गुजराती में भी वो कॉपी आएगी, तो आपको भी यहां पर भेजेंगे, आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, समय सार समझने के लिए बहुत उपयोगी होगी। और 415 भाषाओं में जो आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद हुआ था, अमेरिका में भी जहां आइंस्टीन ने स्टडी की, जिस यूनिवर्सिटी में, थोड़े दिन पहले मेरा वहां कार्यक्रम था, उनको भी मैंने यही कहा था कि आइंस्टीन तो तड़पते हुए मरा, विज्ञान के क्षेत्र में 1000 से ज्यादा खोज करने वाला आइंस्टीन, मगर मरते समय मैंने उसे ही नहीं खोजा जो ये खोजने वाला था, उसे तो खोजे बिना मैं जा रहा हूं। उनको जब कहा कि तुम देह में से निकलने से पहले ये पहचान कर लो कि जो निकल रहा है वो कौन है, बस वही मैं, ऐसा अपनापन स्थापित हो, मैं आत्मा और चैतन्य 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 चैतन्य, ये सुनते ही मैं लगे, अभी लगता नहीं है। मैं ये कहता हूं भगवान आत्मा अनादि काल से 4 गति और 84 लाख यौनियों में भटक रहा है, ये कहा आपने सुन लिया। और मैं ये कहूं ये जो राजेश जी है कल सिंगोली की गली में भटक रहे थे, हैं मुझे सबके सामने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजेश शब्द सुनते ही मैं, ऐसा भाव आता है ना, तो जितना भाव ऐसा मैं, ऐसे ही चैतन्य सुनते ये मैं, ऐसा भाव आए। और शरीर का नाम जो बोला जाए होगा कोई और, वो मैं नहीं, वो होगी किसी और की बात, वो मेरी बात नहीं। इसलिए जब 11 लोग बैठे हो, 10 सामने बैठे हो, 1 यहां हो, तो ज्ञानी को 11 सामने दिखाई देते हैं और मैं वहां कहीं नहीं, ऐसा दूर से दिखाई देता है। ये देखने वाली दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है और उस दृष्टि से न्यारा मैं चैतन्य, ये जागृति परम धर्म है। आज सहज संयोग मिल गया, मुझे तो पता भी नहीं था ये तारीख के साथ में ऐसे याद रखने वाले, अब तो आपकी जिम्मेवारी है राजेंद्र जी, अंकल जी की, कि अगली बार तो जब भी यहां से गुजरे तो यहां सत्संग करना ही करना है। इस बार ये मौका मिल गया, अभी तो महाराष्ट्र में, गुजरात में समय सार की प्रत्यक्ष स्थापना हुई है और इसके आगे थोड़ी दिन पहले ही मैं दिल्ली में था, उत्तर प्रदेश, पंजाब,
चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, सब जगह वहां पर समय सार की स्थापना। और यहां तक कि आपको तो पता होगा पाकिस्तान में भी मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी में मेरा प्रोग्राम था। दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव मुझे पाकिस्तान में रहा। लोगों ने मुझे मना किया था पाकिस्तान मत जाना, कहीं पर भी जाओ अमेरिका कनाडा सब ठीक है, एशिया के 42 देश थे, अफ्रीका के 36 थे, यूरोप के 30 थे, नॉर्थ अमेरिका कैरेबियन आइलैंड्स के 14 थे, सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका के 10 थे, ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वानुआतू टुवालू सामुआ पपुआ न्यू गिनी सोलोमन आइलैंड मार्शल आइलैंड पलाऊ ये सब 10 देश थे। इन सब देशों में और अभी मेरा एंटार्क्टिका में जो बिल्कुल साउथ पोल पर एंटार्क्टिका में समय सार का ही प्रोग्राम था। पाकिस्तान जाने को मना किया। पाकिस्तान के लोग इतने खतरनाक लोग हैं। जब मैं 3 दिन के लिए पाकिस्तान गया था, पहले तो वहां हिंदू को जाने नहीं देते, मुसलमान को ही जाने दे, उसमें भी फिर टूरिस्ट के रूप में तो जाने न दे। मगर जब मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का एम्बेसडर ये बात सुनकर के, मैंने ये नहीं कहा मैं जैन आ रहा हूं, मैं हिंदू आ रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन बिफोर करेक्शन। वी डोंट वांट टू करेक्ट एनीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, वी जस्ट वांट टू कनेक्ट टू पीपल एंड लेट देम करेक्ट देमसेल्फ, दैट्स इट। सिर्फ उनसे मिलो, एक आत्मीयता, एक आत्मीयता। बोले आप तो मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं करते, मैं भी परमात्मा आप भी परमात्मा, ऐसा धर्म होता है? यही धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। यही धर्म होता है। इसलिए जब मैं कहता हूं मैं किसी भी संप्रदाय में नहीं मानता, कोई मुझे कहते आप दिगंबर, आप श्वेतांबर, आप स्थानकवासी, आप देरावासी, मैं कहता हूं बस मैं सिर्फ चैतन्य की पुकार करने जाता हूं। तो लोग कहते आपने नया पंथ खोला, मैं सब पंथों को मुक्त करके बोले कि ये नया पंथ, अब ये चैतन्य का पंथ, चैतन्य का पंथ, ये नया पंथ खोला। अनंत ज्ञानियों ने चैतन्य की पुकार की। पाकिस्तान जब मैं 3 दिन के लिए गया था ना, यहां पर सब लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं भारत वापस नहीं आऊंगा वो पानी नहीं पिएंगे। डरते थे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और मैं जिनके वहां ठहरा था, मेरे लिए स्पेशल व्यवस्था की थी, मैं गुलाब जामुन खा रहा था और वो लोग यहां भूखे प्यासे बैठे थे। वहां मैं इतना आनंद से रहता था और उनका वात्सल्य उनका प्रेम, वहां के इमाम काजी वहां के हाजी ये सब लोग आकर के, ऐसा धर्म, हम तो मस्जिद जाते हैं फिर भी आप हमको परमात्मा कहते, हम तो मांस खाते फिर भी हम परमात्मा। हाँ तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा ही हो, बस ये ही स्वीकार करो, बाकी सब हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा जाते समय लिख करके दो, मे यू अटेन सुप्रीम इनर ब्लिस, जो मैं सबको लिख करके देता था जा जाता, आपको आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा लिख करके जाते। मैंने उनको जल्दी जल्दी बोल दिया आपको भी सम्यक दर्शन होगा, और गाड़ी में बैठने जा रहा, उन्होंने पकड़ लिया मेरे, बोले जाने नहीं देंगे, लिख करके जाओ, क्योंकि भारत वालों को आप भरोसा नहीं करते, बोला हुआ लिखा हुआ चाहिए। आज वहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र लाहौर के अंदर, गुजरानवाला में, पाकिस्तान में, सीरिया लीबिया सोमालिया इराक ईरान, दुनिया का कोई भी देश अभी नक्शा की जहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र न पहुंचा हो। आंख बंद करके उंगली रखो, या पानी होगा या जमीन, जमीन होगी तो शास्त्र वहां पहुंचा होगा। और अभी मेरा विचार जैसा आत्मसिद्धि शास्त्र में हुआ, ये भाव आया है समय सार का, और मेरे पास में कोई शक्ति नहीं, सिर्फ भावना है। जब मिशन शुरू करना था तब भी मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं तो फुटपाथ पे सो रहा था, मगर भाव था। 415 विमान पकड़ने थे 3 साल में, एक में से दूसरे, दूसरे से तीसरे, 40 दिन में 41 देश की यात्रा थी, 40 दिन में 108 विमान बदलने थे, रोज के 3-3 2-2 3-3, मगर सब सहज रूप से हो गया क्योंकि ये वाणी वहां पहुंचनी थी। ऐसे ही ये भाव आया 1 लाख, ऐसे ही भाव आ गया। लोग कहते हैं ये भाव कैसे आ जाता है आपको, 1 लाख केंद्र पर स्थापना,
यही तो 181वीं गाथा है कि वो भाव भाव में है, वो भाव को पूछो। सोक्रेटिस था ना, दो मिनट में लेता हूं, दो मिनट आपने बोला इसलिए। सोक्रेटिस अपने घर पे अपने शिष्य को बुलाता एथेंस में, ग्रीस में, जब वहां की नेशनल लाइब्रेरी में प्रोग्राम था एथेंस में, वहां पर भी मैंने ये बात कही थी। यूनान के ऐसे ग्रेट वेस्टर्न फिलोसोफर में ये त्रिपुटी का नाम आता है, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो। सोक्रेटिस की पत्नी थी, बहुत खतरनाक थी। सोक्रेटिस धार्मिक हो गया था उस भूमिका का, अपने लेवल का गजब का आदमी था। पत्नी खतरनाक थी, अक्सर ऐसा होता है धार्मिक लोगों की पत्नी खतरनाक होती है। वास्तव में तो पत्नी इतनी खतरनाक होती है कि वो धार्मिक हो जाते, उल्टा हो गए। तो उसकी पत्नी भी ऐसी ही थी। अब सबको अपने घर पर वो सोक्रेटिस बुलाता सत्संग के लिए। इसका तो इतना भाव होता, आइए आइए, मगर पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाय बनानी पड़े, ये सब मेहनत करनी पड़े, और रोज इतने को बुलाए आमंत्रण दे दे करके। एक आध दिन हो तो ठीक है, ये तो रोज का हुआ, फिर भी वो चाय बनाकर लेकर आई। सोक्रेटिस को कहा लो चाय। सोक्रेटिस तो तन्मय था अपनी चर्चा में, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, सुना ही नहीं, गुस्से में आ गए। वो पत्नी गुस्से में आई और उसने गरम गरम चाय सोक्रेटिस के चेहरे पर फेंकी और चेहरा जल गया। तब से लेकर के वो सोक्रेटिस का चेहरा मरते समय तक काला रहा था। वैसे भी कुरूप था सोक्रेटिस, दिखने में इतना सुंदर नहीं था। चली गई वहां से ऐसी गरम गरम चाय फेंक करके। जो शिष्य उनके सामने बैठे थे उन्होंने सोक्रेटिस से पूछा कि आपकी पत्नी ऐसी, उसने ऐसी गरम गरम चाय फेंकी, ये क्यों फेंकी? सोक्रेटिस ने क्या कहा, फेंकी किसने? पत्नी ने? ये काम किसका था? पत्नी का ने? तो पत्नी को पूछो, मेरे को क्यों पूछते हो? ये चाय क्यों फेंकी? जिसने फेंकी उसको पूछो। इसलिए कोई कहे कि आपको ये राग का, ये क्रोध का भाव क्यों आता है, जो आता है उसको पूछो ना, मेरे को क्या? जिसका परिणाम है, जिसका भाव है, वो जड़ का भाव है, तो जड़ जाने, मुझे क्या लेना देना। मैं मात्र उपयोग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य परमात्मा हूं। ये जागृति प्रति समय रहे। इतने लंबे अंतराल के बाद में भी आज मैं अत्यंत आनंदित हूं सिंगोली नगर में, आपके इस जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में मुझे सत्संग करने को आपने अवसर दिया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, मेरे हृदय के अंतकरण से प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहा।